हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तरोवर गार्डन चलन में। आज हम बात करने वाले हैं इस प्लांट के बारे में। देखो इस प्लांट को, ये प्लांट भी मैंने आपको दिखा चुका था जब मैं खरीद कर लेकर आया था। अब इसकी पॉटिंग कैसे करनी है वो ध्यान रखना है। अभी प्लांट किसका है, ये प्लांट जो मैं लेकर आया था तो उन्होंने बताया था ये है राधा मोहन का। अब मैंने गूगल पर सर्च करा तो मुझे तो भाई इस नाम से कोई भी प्लांट नहीं मिला। हालांकि नाम बड़ा अच्छा राधा मोहन, पर मुझे तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, हालांकि ये मधुमालती की जो बेल है उसकी फैमिली से ही है। इसमें देखो ऐसे फ्लावर आते हैं, पहले तो आएंगे इसमें वाइट कलर के फ्लावर और एक दो दिन के बाद वो इस कलर में चेंज हो जाते हैं। कलर देख लो, और कई दिन से रखा हुआ था, कई दिन से इसमें पानी भी देने में प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। और देखो नीचे से इसमें छोटी छोटी सी स्प्राउट और हो रहे हैं, दिख रहे होंगे आपको, ये छोटे छोटे से है ना, ये अभी आए हैं, पहले नहीं थे तो। और यहाँ से भी आ रहे हैं देखो, ये रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं पॉट में लगा लेता हूँ, ठीक है। ये हमारी पॉटिंग मिक्स है जिसमें आपको पता है एक तिहाई पार्ट तो चौथाई मान लो, ये तो मैंने लिया गोबर की खाद और ये है सॉइल, ठीक है। इसमें वही अपन थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। वर्मी कंपोस्ट मेरे पास पड़ी थी तो मैं डाल लेता हूँ इसके अंदर, है ना। बाकी फूल वाले प्लांट में चाहिए है ये तो। और मिट्टी के अंदर दीमक वगैरह ना लगे तो मैंने आपको एक पेस्टिसाइड दिखाया था, वो पेस्टिसाइड ये रहा, इसको डाल लेते हैं। दीमक वगैरह कुछ नहीं लगेगी इसके अंदर। और इसके बाद आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। अब इसमें आप थोड़े से पत्थर लेकर इसके नीचे आप रख दीजिए, फ्लैट नहीं रखें, थोड़ा सा ऐसा रखना है। आप देख लो इसको अच्छी तरह, थोड़ी सी उसमें हम डालेंगे सॉइल। और सॉइल थोड़ी सी डालने के बाद अपन इसको थोड़ा सा कर देंगे प्रेस। और प्रेस करने के बाद इसको हम थोड़ा और सॉइल से फिल कर लेंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा प्लांट, हमने इसमें अच्छी तरह मिट्टी को फिल कर दिया है। और देखो ये ज़्यादा अंदर नहीं है, ये जो दिख रही है आपको सरफेस, ये सरफेस इस रूट बॉल की थी, तो इसको ज़्यादा अंदर भी नहीं डालना, आपको बराबर ही रखना है, ये समझ लो आप। और अब जैसे इसको आपने लगा दिया, अभी कुछ शेड में रखना है, ऐसे नहीं करना आप लोगों को कि आप इसे ऊपर धूप में रख दें, इसलिए मुरझा जाएगा, फिर सोख लो आप। इसको कम से कम 7-8 दिन बाद ही रखना है। और दूसरी बात, कई बार से ऊपर रख देते तो बारिश वारिश आ जाती है, तो ये क्या है अभी सेट नहीं हुआ है, इसमें रूट थोड़ी है इसके अंदर, जो पूरे के अंदर, तो रूट बोलो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा तो प्लांट टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो पहले रूट निकल जाए तो कम से कम 7-8 दिन तक आप इसे पहले शेड में रखें, फिर हल्की धूप में रखें, उसके बाद आप प्रॉपर धूप में रखें। अब जैसे इसकी डेड हेडिंग कर देते हैं, जैसे मान लो ये जो ख़राब सा है इसको यहाँ से कट कर देते हैं, जो भी ख़राब ख़राब चीज़ें हैं इसको कट कर देते हैं यहाँ से, ताकि ये नहीं यहाँ से स्प्राउट ही निकल आए, ठीक है। आपके पास कटर है तो आप कटर का यूज़ कर सकते हो, और जो काम की नहीं है उनको हटा दो अच्छी तरह से, है ना। पहले मैंने कराई नहीं थी क्योंकि एक्चुअली क्या है, जैसा अभी इसमें लगाया है ना तो ये स्ट्रॉक में आ जाता है। जैसे मान लो आप नई जगह जाओगे तो आपको पानी वानी सूट नहीं करता, तो अब जैसे ये इसमें लगाए ना तो ये स्ट्रॉक में आ जाता है, झटके में आ जाता है, तो ये क्या है अच्छे से भी सरवाइव नहीं कर पाएगा इसमें। तो आप एक साथ जब लगा ही दिया है तो अब इसको कटिंग भी कर दो हाथों हाथ, फिर थोड़ी देर में जाकर ये उस जगह को जाने का पहचाने का तब जाकर करेगा, ये रियल बात है। ऊपर से कोई अगर पत्ती वगैरह हो तो ऊपर से भी आप इनको हटा बटा सकते हो, कोई पत्तियाँ वगैरह ख़राब हो, है ना, जो आपको अच्छी लग नहीं लग रही हूँ, है ना, जो ख़राब सूख चुकी हूँ, तो आप उनको कट करके यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्प्राउटिंग आ रही है यहाँ से, देखो ये वाली साइड से ये दिख रहा होगा आपको, स्प्राउटिंग आ रही है यहाँ से, है ना। तो ये आप तैयार हो चुका है, और इसमें भी आपको फूलों वाला पौधा है ये, तो आप इसमें ध्यान ये रखना है, अच्छी इसमें खाद डालनी है आप लोगों को, और फर्टिलाइज़र इसमें 15 दिन में डाल दीजिए आप। DAP यूरिया का यूज़ मैं तो मना करता हूँ,
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स डालिए इसके अंदर, सॉइल का ध्यान रखिए, गुड़ाई करते रहिए, काई जमनी नहीं चाहिए, अच्छी बॉटनिंग, इसको भी आपको धूप में रखना है। ये प्लांट मधुमालती की फैमिली से ही है, और मैं मधुमालती का ही बोल रहा हूँ अभी से इसको, हालांकि उन्होंने जो नाम बताया वो मुझे मिला ही नहीं, मिल जाएगा तो कभी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कर सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं अथवा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और प्लांट उगाइए।